महारानी गुप्ता आज आपको बनाना सिखाएंगे कि घर पे देसी घी कैसे बनाया जाता है। आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते करते हैं तैयारी। एक कटोरी साफ मलाई जो हमने दूध से निकाली है, एक छोटी कटोरी दही, आधा नींबू, दो चार लौंग, साफ पानी। आइए बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए मलाई में हमने ये दही डाल दिया, उसको एक चम्मच से मिला दीजिए। कम से कम इसको 2 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए मेरा जम गया है अच्छे से, जैसे दही आप जमाते हैं बिल्कुल वैसे ही जम गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं बड़े। तो एक मथानी की सहायता से इस तरह इसको आप ऐसे भर करके थोड़ा इसमें पानी डाल दीजिए। कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक आपको इसे करना है। ये देखिए मेरा घी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम और थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये देखिए मेरा घी अच्छे से निकल गया है। अब हम एक कटोरी में पानी ले लेते हैं। में ये घी निकाल लेंगे। हम पानी इसलिए लिया है कि जो एक्स्ट्रा इसमें दही हो वो सब इसी में निकल जाए। इसको वैसे धो लें। ऐसे हम धो के निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारा घी निकाल लिया है मगर अभी ये कच्चा है, इसको हम पकाएंगे। इसके लिए हम एक फ्राई पैन में निकाल लेते हैं। देखिए पानी सारा नीचे रह गया है। ये देखिए मेरा घी अच्छे से बन रहा है। जब तक ये हम बनाएंगे ये सफेदी जो है ये खत्म हो जाएगी, तब मानिए कि मेरा घी बन गया है। ये देखिए मेरा घी पक गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ताकि साफ रहे, ताकि स्वाद अच्छा आए। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। घी मेरा ठंडा हो गया है। अब इसको छान के हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ये देखिए मेरा घी तैयार हो गया है। अब इसको हम किसी कांच के बर्तन में खाली कर लेते हैं। ये देखिए मेरा शुद्ध साफ देसी घी तैयार हो गया है। आप भी अपने घर में बनाइए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।